चलोगे ना, देख लेंगे। योगी बाबा का बुलडोजर यहाँ बैठा है। बाबा का बुलडोजर उकान था, एक अधिवक्ता की हत्या हो गई ना, एक अधिवक्ता की हत्या हो गई ना प्रयागराज में। सुरक्षा वाली बात कर रही है, अगर सरकार सुरक्षा आप लोगों को दे जी, देख रेख करे जी जी जी, ये बताइए कहाँ कहाँ सुरक्षा करेंगे? किसी भी कानून में बुलडोजर नहीं लिखा हुआ है, पहले वो बुलडोजर के लिए कानून बनाए, ठीक है ना, यूज तो कर रहे हैं ना, बुलडोजर लगाए तो कर रहे हैं। इस पर तो जोगी को जेल हो जानी चाहिए, कुछ नहीं जानता हुआ वो एक अधिवक्ता को कहेगा कि हमसे ज्यादा आप जानते हैं, ये लाजा रहेगा ये। तो नमस्कार दोस्तों, सबका साथी में स्वागत है। इस वक्त आप नए जिले आजमगढ़ में हैं और हम कचहरी में अधिवक्ता लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि जो ग्रामीण है न्यायालय जो मांग सरकार ने उठाई उस पर क्या कहना चाहते हैं? ग्रामीण न्यायालय हमारे अधिवक्ता समाज को, गरीब समाज को न्याय न मिले, विकेंद्रीकरण हो, इसके लिए इनकी सोची समझी साजिश प्लानिंग है। जैसे पहले सरपंची व्यवस्था थी कि नहीं, सरपंची व्यवस्था में जो बाहुबली था उसके वो न्याय करता था, वो व्यवस्था सरकार ने ख़त्म कर दिया। उसी का न्यायालय, ग्रामीण न्यायालय की यही मंशा है, गरीबों को न्याय न मिले, बाहुबलियों को न्याय मिले, यही सब धारणा है ग्रामीण न्यायालय। 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, अब 75 जिला में कितने लोग, मतलब किस जिले से आपको सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को धरना में? धरना यहीं पर चल रही, हर जगह चल रही, हर जगह लोग समर्थन में है। बलिया है, गाजीपुर है, जौनपुर है, बनारस है, मऊ है, बनारस, अम्बेडकर नगर है, फैजाबाद है, अभी तो 34 जिलों में ही लागू कर रहे हैं पूरे। मतलब ये नियम 75 जिले में लागू नहीं हो रहा, सिर्फ 34 जिले। हाँ, ये पूरे देश में योजना है, पूरे देश में योजना है, कहीं लागू नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश पिछड़ा जिला है। यहाँ दबाव बना करके सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। ज़्यादातर पूर्वांचल की जो 34 जिले भैया बता रहे हैं कि वो सपोर्ट है, लेकिन उनका सपोर्ट मिल रहा है, सब लोग लगातार धरने पर उतरे हैं, धरने पर उतरे हैं, इसका विरोध होगा बहुत जल्द। कब से स्टार्ट हुआ धरना? 21 तारीख से कंटिन्यू चलेगा जी। तो क्या इस पे जिम्मेदार किसको ठहराना चाहते हैं? हैं मान लीजिए, ये तो नियम पहले से आया है, ठीक है, वही कानून गलत बन गया तो उसको, जैसे किसान बना किसान कानून, जन किसानों ने विरोध किया, वापस हो गया, इसी गलत कानून बनाने वाले गलत बना दिए तो उसका विरोध करना स्वाभाविक है। कौन बनाया था कानून? मनमानी है। कानून कौन बनाया? कानून पार्लियामेंट में लोग बनाए, पार्लियामेंट में बनाए, काला कानून। ये जो चल रही है ये काला कानून है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। ग्रामीण अदालत जो है नहीं जानी चाहिए गांव में, वहां पर न जज सुरक्षित है, न अधिवक्ता सुरक्षित है, न गांव के लोग सुरक्षित है। जो गांव के दबंग होंगे वो ज़बरदस्ती फैसला करा लेंगे, इसलिए हम लोग विरोध करता है, ये जनता के हित में ये काम हो रहा है। मान लीजिए आप लोग को वहाँ सरकार जो है प्रशासन द्वारा सिक्योरिटी दे, सुरक्षा दे, तब कहाँ सुरक्षा दे पाएगी सरकार के पास? खुद सुरक्षा नहीं, यहाँ यहाँ सुरक्षिता नहीं है, यहाँ न्यायालय में अधिकारी मारे जा रहे हैं, ऐसे हत्याएं हो रही हैं, यहाँ गवाह मारे जा रहे हैं, प्रयागराज में गवाह मार दिए गए, कौन सुरक्षा थी उनके पास? वकील मारे जा रहे हैं, एक जज मार दिए जा रहे हैं, तो कौन सुरक्षा है यहाँ पर? योगी बाबा करते थे, हमारे यहाँ एकदम जीरो हो गया है, कुछ नहीं। जोगी बाबा बेकार, सब कहाँ से हो रहा है? तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही की तरफ देश चल रहा है, सत्ता शासन का ये सारा जाल बुना जा रहा है, ऐसा कुछ इसका विरोध है। ये सत्ता शासन जो चाह रही है कि हम वकीलों को विकेंद्रित कर दे, यहाँ वहाँ बांट दे अपने लोगों, जो संगठन है इसको तोड़ना चाह रही है। आज इसके विरोध में, ग्रामीण न्यायालय के विरोध में, हम जब तक यह कानून, काला कानून वापस नहीं होगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। हाँ, ये वकीलों के चलेगा, ये अनवरत चल रहा है, अभी कोई भरोसा नहीं है कब तक चलेगा ये, आज अभी तो चल रहा है, वापस सरकार वापस ले लगे पूरा। ये काला कानून है, जैसे किसानों के ऊपर काला कानून थोपा जा रहा था, एक वर्ष तक किसान जो है आंदोलन करते रहे, इसी तरह से हम लोग भी आंदोलन करते रहेंगे, और काला कानून जो है वापस जब तक नहीं करते हैं चलेगा ये अभी। ये अधिवक्ता के और बाधिकारियों के हित में ये कानून है, ये काला कानून है। तो जो नियम योगी सरकार लाई है, मतलब जो जोर शोर से इसमें चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, आप लोग धरना दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम यह कहना चाहते हैं, यह कांग्रेस के ज़माने में यह कानून लाया गया था जी, जिसे हम लोग काले कानून की संज्ञा देते हैं। सरपंच की व्यवस्था पहले थी, वापस हो गई, आज इतना मीडिया आगे हो गई, हर समाचार तुरंत पहुँचता है जी। ग्रामीण न्यायालय बनने से बाधकारियों का इतना हित है, अच्छे वकील वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, सेम डे के आर्डर कोई आर्डर नहीं हो सकता है,
पुलिस ले जाती है मुलजिमों को, उनका इनकाउंटर भी हो सकता है, बदमाश बड़े अपने आदमियों को छुड़वा भी सकते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भावना यह है कि जो तहसील बनी है, तहसील के अंदर अदालतें नहीं खुल रही हैं, हर तहसीलों से 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर खुल रही हैं, वहाँ के वकीलों को भी बांटने की कोशिश हो रही है। यह वकीलों को बांटने की एक साजिश है, इसलिए आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है, यूपी में भी लागू नहीं है पूरा। और हम लोगों का एकदम संघर्ष तब तक रहेगा जब तक यह आश्वासन न मिल जाए कि ग्रामीण अदालत नहीं जाएगी। इसे आप लोगों अधिवक्ता को जो सरकार बांट रही है उससे उसको क्या लाभ मिलेगा? क्या कौन चीज बांट रही है, क्या कुछ तो जो आप बता रहे हैं कि नियम लाएगी तब लोग बट जाएंगे। इस जो ग्रामीण न्यायालय खुल रही है, जो गांव पर हर गांव में क्यों नहीं हाई कोर्ट की बेंच पूरे हर कमिश्नरी में बना दें, क्यों नहीं हर सुप्रीम कोर्ट की एक एक बेंच जो है उत्तर प्रदेश के हर प्रदेश में बना दें। अगर इतना ही सस्ता न्याय देना है तो क्यों लोग दिल्ली जाते हैं, क्यों जाते हैं इलाहाबाद? तो न्याय सस्ता नहीं होगा, बादकारियों को महंगा हो जाएगा। बादकारी आजमगढ़ आएगा, यहाँ से वकील को लेके जाएगा, उसका खर्च बढ़ जाएगा, बादकारी को काफ़ी पैसा देना पड़ेगा और अच्छे वकील जाएंगे नहीं। उदाहरण के रूप में बता दूं, जोनाइल कोर्ट सिविल कोर्ट से कलेक्ट्रेट में चली गई है, यहाँ का अधिवक्ता वहाँ नहीं जा पाता है। तो यह बांटने की साजिश है और यह कांग्रेस की जमाना चल रही है, इस सरकार की साजिश नहीं है। कांग्रेस जमाना, हाँ, और इस काले कानून को बंद करना चाहते हैं, इस कानून हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है, इसको समझ करके इस कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट ही वापस ले सकती है, वापस ले, नहीं लेगी तो हम लोग जाने का हमेशा विरोध करेंगे और यूपी गवर्नमेंट से कहेंगे कि आप यहाँ जो है अपना अध्यादेश जारी करिए, यहाँ लागू मत करिए, ये हमारा लड़ाई। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस नियम पे? जी हेलो, मैं विभा सिंह हूँ, विभा सिंह एडवोकेट बार दीवानी कचहरी में। यहाँ जो है जो महिलाएं काम करती हैं वो इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, जुवेनाइल कोर्ट में जाने में प्रॉब्लम होती है। एक महिला ये बताइए, अगर हम इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, हम कौन कौन से ग्रामीण न्यायालयों में जाएंगे? और हमें अपनी सुरक्षा की भी तो जानकारी है, अगर 10 बजे वहाँ पेशी लगेगी तो मॉर्निंग में 7 बजे उठेंगे, अपने बच्चे को तैयार करेंगे और फिर खाना बनाएंगे, फिर हम जाएंगे। तो ये बताइए, अगर पेशी अगर हमको सुबह 10 बजे अगर हमको वहाँ पर बयान कराना रहेगा तो एक महिला कैसे सगड़ी पहुँचेगी बताइए? सबसे बड़ा कारण तो ये है, हम महिला अधिवक्ता इस ग्रामीण न्यायालय का पूरी तौर से विरोध करते हैं। और सबसे पहले मेरा यही आग्रह हर महिलाओं से है कि सबसे पहले आगे आए और पूरे भाइयों का समर्थन करें। धन्यवाद। एक और जी, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं सुरक्षा वाली बात कर रही हैं, अगर सरकार सुरक्षा आप लोगों को दे जी, देख रेख करे जी जी जी, ये बताइए कहाँ कहाँ सुरक्षा करेंगे? यहाँ पे तो हमारे भाई लोग सपोर्ट करते हैं, हम पेशी कराते हैं, मान लीजिए 12:30 बजे हर थानों पे पेशी हो रही है, तो ये बताइए हम सगड़ी जाएंगे कि लालगंज जाएंगे, कहाँ पेशी कराएंगे? यहाँ तक कि जब हमारी कोर्ट एक मतलब बट गई थी, हमें एक महिला को पेशी कराने एक तल्ले से दो तल्ले पे तो हम चल ही नहीं पाते हैं, तो 25-30 किलोमीटर कैसे जाएंगे ये बताइए? इस काला कानून का लोग बंद करना चाहते हैं जी, एकदम पूरा विरोध है, फुलकर विरोध है। बनाना है ग्रामीण न्यायालय यही दीवानी आजमगढ़ में बनाए, यहाँ 32 कोर्ट है, 50 बना दे, गांव में नहीं बने देंगे। ये हम बताइए, अपने बच्चे की पढ़ाई छोड़ के सुबह शाम से 5 बजे हमारी कोर्ट खत्म होगी, और अगर सगड़ी से हमको आना रहे तो 9 तो बच जाएगा हमको आजमगढ़ आने में, हम फैमिली क्या देखेंगे, कोर्ट क्या देखेंगे, और किसी का समर्थन क्या करेंगे बताइए? हम तो अपने ही न्याय के लिए लड़ने लगेंगे तो किसी और का न्याय क्या करेंगे बताइए? मतलब इस नियम से आप लोग ना खुश हैं? नहीं, बिल्कुल एकदम लड़ाई है, जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। आइए, सरकार से मांग किया जाता है, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार हुई है, हम अधिवक्ताओं को विकेंद्रित कर रही है, बांट रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, आज से मांग करते हैं कि यह काला कानून वापस हो। अच्छा, 75 जिला है जी, क्या आप लोगों को लगता है हर जिले से मतलब आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, हर जिला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं, 34 जिले में अभी ये चल रहा है, हम लोगों को सपोर्ट वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, जिस जिले में नियम नहीं लगाए हैं, कानून नहीं पास कर रहे हैं, तो उस भी जिले से मिल रहा है नहीं सपोर्ट? मिल रहा, सब जगह से, हर जगह पूरे प्रदेश में यह सपोर्ट मिल रहा है, यह चिंगारी की तरह कर रहे हैं सर।
इसका सपोर्ट सभी लोग कर रहे हैं क्योंकि किसी का इसका अहित सबका इसमें है, ठीक ना। गरीबों का लोग बोल रहे हैं कि किसी जो गरीब लोग जो आ नहीं पाते जिले पे, अपना घर पे ही देख लेंगे, बगल में ही देख लेंगे, ऐसा ऐसा कहाँ हो पाएगा, ऐसी सुविधा कहाँ। हाईकोर्ट भी कर दे यहाँ पर, मतलब सबको नहीं कर दे। गरीब अगर नहीं आ पा रहा है, सरकार की यही मंशा है, तो जिले स्तर पर हाईकोर्ट कर दे, मंडल स्तर पर सुप्रीम कोर्ट कर दे, सुलभ न्यायालय तो मिल जाएगा, सुलभ न्याय मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, नीचे से ना थोड़ा ऊपर से पहले व्यवस्था करे। बड़े बड़े कोर्ट हैं, वहाँ हाई कोर्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये बैठा दे, सुलभ कोर्ट थाने हो जाएंगे। सुन लीजिए, पहले सरपंच न्याय देता था तो ऐसा न्याय देता था कि मुंह देख के न्याय देता था, वही हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता वो एक अधिवक्ता को कहेगा कि हमसे ज्यादा आप जानते हैं, ये लाजा रहेगा, ये भाषा उनकी रहेगी। बंदूक के नालों में फैसला होगा, और वहाँ की दशा ये होगी कि गंवार आदमी तोप उठा लेगा, और पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, को बेचारा हाथ बजाने लगेगा अपना, क्योंकि हम लड़ाई करने के लिए वहाँ नहीं गए, हम अपनी बात को लेकर तौर तरीके से अधिकारी को कहने के लिए पैदा हुए हैं, और न्याय तो यही है ना। और एक चीज़ और है कि पहली बात, अगर दो फाइल आपकी लग गई, पहली बात एक लालगंज में लग गई, एक व्यक्ति की आजमगढ़ में लग गई, बताइए कि वह लालगंज देखेगा कि आजमगढ़ देखेगा, कहाँ पे सिर्फ खड़ा होगा, कहाँ निर्धारित करके इसी चीज के हम लोग खुश नहीं है। नहीं, ये जो नियम है बहुत जबरदस्त विरोध है। अच्छा ये बताइए, ग्रामीण अदालत स्थापित करके एक ही दिन में फैसला कर देंगे, वहाँ शाम हो जाएगी तो अधिवक्ता 50 किलोमीटर कैसे घर अपना आएगा, चकबंदी की क्या। और देखिए, अभी आप चकबंदी न्यायालय ही कलेक्ट्रेट में होती है, तहसील की पोजीशन है, रात में SDM साहब और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानून को रात में जो चाहते हैं लोगों को बुला के आर्डर कर देते हैं, वही न्याय पालिका में भी चाह रहे हैं। सुबह में आर्डर कुछ और होता है, शाम को ही आर्डर फार के अगर बाहुबली जाता तो फेंक दिया जाता है, दूसरा आर्डर हो जाता है। और तहसील पे कितनी दिन कोर्टें चलती हैं आप भी जानिए। यहाँ की बात कर रहे हैं या गाँव की? गाँव से बात कर रहे हैं, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। ऐसा होगी जो ग्रामीण न्यायालय होने पर जो तहसील पर होता है कि वो वही दशा इस न्यायालय की हो जाएगी। और सरकार की मंशा ये है कि हम अपनी पैठ बना लें इसमें, जो इससे डरती है सरकार, सारे बाहुबली डरते हैं, उसकी पैठ बनानी चाह रही है गवर्नमेंट, बस यही पूरा कारण है उसका, यही मेरा कहना है। आज भी यहाँ अपराधी आते हैं तो एकदम ही अधिवक्ताओं के संगठन से डरते हैं कि अधिवक्ता हैं, अगर जीरे बहस होती है तो उसमें तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जब ग्रामीण न्यायालय में चली जाएगी तो वही लोग कहेंगे कि चलो बाहर निकलोगे ना, देख लेंगे। योगी बाबा का बुलडोजर यहाँ बैठा है, बाबा का बुलडोजर उकान था, एक अधिवक्ता की हत्या हो गई ना, एक अधिवक्ता की हत्या हो गई ना प्रयागराज में, कहाँ सुरक्षा थी? एक चौराहे पर प्रमुख की हत्या आजमगढ़ की हुई थी कि नहीं हुई थी, आपकी भी पता है ना, लखनऊ में हुई थी। अब सोच लिया कि 7:30-8 बजे वो हत्या हो गई थी, वो बोलते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जीरो हो गया, कुछ नहीं है। सुन लीजिए, यहाँ ये दशा है कि थाने पे आप जाइए तो FIR लाज नहीं होता है, ठीक है ना, और जो बाहुबली होता है उसका FIR लाज होता है, जो गरीब होता है उसको डांट के बाहर भगाया जाता है। न्याय की बात हो रही है, महिलाओं को कहाँ सुरक्षा है? दो बहन बेटियों को जला दिया गया जिंदा, कहाँ सुरक्षा है बताइए, कहीं है सुरक्षा? कानपुर में बुलडोजर, बताइए, पुलिस देख रही है कि महिलाएं जल रही हैं, द्विवेदी जी के परिवार, पंडित जी के परिवार की दो महिलाएं जल गई, है सुरक्षा कहीं? बुलडोजर की बात छोड़िए आप, यहाँ केवल न्यायालय की बात करिए, ग्रामीण न्यायालय का विरोध हम लोग ग्रामीण अदालत पर ही बोल रहे हैं। यही फूलपुर तहसील का मामला है, फूलपुर तहसील का मामला है, दो मौर्या परिवार के लोग, दोनों पति पत्नी को बदमाश मार दिए, और उसमें हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, उस मृतक के घर भी गए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि न्याय मिलेगा, मरे मौर्य होने के नाते आज तक उनको न्याय नहीं मिला, उनके परिवार के लोग SP कार्यालय पर धरना दिए थे, कुछ नहीं हुआ। अब ये समझिए कि फूलपुर थाने का मामला है, न्याय नहीं मिला, अभी तक न्याय नहीं मिला, और ये ग्रामीण अदालतों को खोल कर एक ही दिन में फैसला करा देंगे, ये सरकार की नीयत खराब है। ग्रामीण न्यायालय वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सख्त अनाधिकार को भी अधिकार देगी, मतलब खुलकर आप लोग विरोध में है, यही कहना चाहते हैं? हम लोग काला कानून के विरोध में है, कोई सुनवाई हम लोगों के यहाँ नहीं है, किसी भी कानून में बुलडोजर नहीं रखा हुआ है, पहले वो बुलडोजर के लिए कानून बनाए, ठीक है ना, यूज तो कर रहे हैं, बुलडोजर लगाए, यूज तो कर रहे हैं, इस पर तो जोगी को जेल हो जानी चाहिए, जोगी जी को जेल हो जानी चाहिए, जो हम गुंडाई करके मनमानी करके बुलडोजर लगवा रहे हैं।
मतलब ये नियम के विरुद्ध है और का नियम के विरुद्ध कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बुलडोजर गिरा दिया जाए। अरे ये न्यायपालिका नहीं था। अच्छा अध्यक्ष जी, जो नया जो नाले बन रहा है गाँव में, मांग उठी है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? उसी विरोध हो रहा और क्या। ग्रामीण अदालत बनने से न्यायालय, न्यायपालिका, अधिवक्ता, बाधकारी सबका हित है। यह कानून पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बनाया गया था। देश में कुछ ऐसे केंद्रीय कानून हैं जो अपने आप में प्रभावी न होने लायक होते हैं। इस तरह से करीब 2000 ऐसे पुराने नियम थे जो समाप्त कर दिए गए। इस ग्रामीण अदालत की वर्तमान परिवेश में कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण अंचल में अधिकारियों को जाने के बाद वहाँ न्याय प्रभावित होगा। उनके उठने बैठने रहने, न्यायालय की जो एक गरिमा है, जो एक डिकोरम है, वह नहीं मेंटेन हो पाएगा। अच्छा अध्यक्ष जी, मान लीजिए लोग सिर्फ एक ही आरोप लगा रहे हैं, जो गरीब जनता है गांव की है, जो आ नहीं पाती है, जो गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा ही गरीब लोग हैं, वो आ नहीं पाते, अपना जो भी बगल में ही कर लेंगे। हाँ, गरीब पे आने पड़ेगी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? गरीब जनता जो है, यह कानून उस जमाने का बना था जब आने जाने में आवागमन की वो सुविधा नहीं थी। आज जिला मुख्यालय पर आने में कम टाइम लग रहा है। तहसील या तहसील से दूर ग्रामीण अंचल में अगर अदालतें स्थापित होंगी, वहाँ जाने में लोगों को दुश्वारियाँ हैं, और जिला मुख्यालय में आने पे सवारी के साधन, सड़कें, सारी व्यवस्था उचित हैं। उचित यही होगा कि न्यायालय परिसर में ही रखा जाए। जो अदालतें न्यायालय परिसर से दूर होती हैं, वो कहीं न कहीं समाज के दबंग लोगों द्वारा या ऐसे माफियाओं द्वारा प्रभावित होती हैं, जिससे न्याय प्रभावित होता है। आजमगढ़ जनपद अपने आप में एक ऐसा ज़िला है, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की परिस्थितियाँ अन्य ज़िलों से भी भिन्न हैं। कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा, लोग कहते थे कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है, आतंकवाद का बढ़ावा यहाँ होता है। इस स्थिति में ग्रामीण अदालत को सुदूर ग्रामीण अंचल में भेजना उचित नहीं है। न्यायालय परिसर में रहने पर न्यायिक अधिकारी, जो एक न्यायालय का डिकोरम है, उस हिसाब से मतलब आप लोग खुल के विरोध में हैं? खुल के विरोध तक, मतलब कब तक आप लोग धरना बैठेंगे या करते रहेंगे? हम उसका विरोध तब तक करेंगे जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि नहीं नहीं भेजा जाएगा। कानून आप लोग रद्द करके ही मानेंगे? कानून कुछ ऐसे हैं जो निष्प्रभावी हैं। कानून जनता के लिए बनाया जाता है, जनता की सुविधा के लिए बनाया जाता है। बाध्यकारी अधिवक्ता जो होता है वह कोर्ट ऑफिसर होता है। अधिवक्ता हमेशा न्यायपालिका, न्याय, बाध्यकारी सबकी गरिमा को अक्षुण रखने का काम करता है। यह अधिकार जो है अधिवक्ता का है। और किसी तरह की अगर भ्रांतियाँ समाज में पैदा की जा रही हैं कि अधिवक्ता अपने लिए या दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता अपने लिए ऐसा विरोध कर रहे हैं, यह गलत है। पूरे समाज के लिए अगर आप निर्धन को न्याय देना चाहते हैं तो दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, हर प्रदेश में एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच की स्थापना कर दें ताकि गरीब न्याय पा जाए, दिल्ली जाने की न जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट हटा दें? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, एक बेंच हर प्रदेश में बना दें। यहाँ से इलाहाबाद की दूरी काफ़ी है, मंडल स्तर पे एक एक बेंच हाई कोर्ट की बना देंगे, तब न्याय सुलभ होगा, गरीब को न्याय मिलेगा। केवल ग्रामीण अंचल में यहाँ से ग्रामीण अदालत भेजने से ऐसा नहीं होगा। यही है, धन्यवाद बात करने के लिए दोस्तों। वीडियो दबा के आप लोग शेयर करें ताकि इनकी जो भी आवाज़ें हैं सब ऊपर तक जाएं, सब लोग देखें, और उसके बाद बाकी जो भी वीडियो रहेगी आपको देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन उस गेट पे रहेगा। जी जी, आप लोग भी आमंत्रित हैं, वहाँ आइए 12 बजे, और सभी मीडिया वालों, हाँ सभी मीडिया वालों बुलाएं, आप लोग भी रहिए। ठीक ठीक, बंद कर दीजिए, दिखा दीजिए, है न्यूज़ आपका सच का साथी न्यूज़। ठीक ठीक, सरकार ला रही है? सरकार तो ला रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को सबसे पहले हाई कोर्ट के जो बेंच हैं उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे सहारनपुर के लोग
इलाहाबाद तक आते हैं, झांसी के लोग, बुंदेलखंड के लोग आते हैं, आप यहाँ बलिया के लोग जाते हैं, तो पहले तो हाई कोर्ट के जो बेंच है उसको बदलना चाहिए। अगर सरकार की मंशा है कि न्याय जनता के द्वार जाए, तो न्याय अगर जनता के द्वार जाए तो हाई कोर्ट की कम से कम चार बेंच बनाना चाहिए, कुछ मेरठ में बनाना चाहिए, कुछ पूर्वांचल में बनाना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए चार पाँच बेंच। और ग्रामीण न्यायालय, जो ग्रामीण न्यायालय सरकार की मंशा है कि न्याय जनता के द्वार जाए, लेकिन न्याय जनता के द्वार नहीं जा पाएगी, न्याय का खरीद फरोख्त होने लगेगा। जैसे चकबंदी, एक चकबंदी के विभाग था, वह गांव में जाकर चकबंदी होने लगी, और सब लोग जानते हैं चकबंदी में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो सकता है। तो यह जब जाएगी, विकेंद्रीकरण होगा, तो वहाँ जो है कोई अंकुश नहीं रहेगा, न अधिकारियों पर अंकुश रहेगा, न कर्मचारियों पर अंकुश रहेगा, वह एक तरह से एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। क्या आपको ये नियम अच्छा नहीं लग रहा है? नियम सही नहीं है। नियम अच्छा होता तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, क्यों विरोध करते? हम तो वकील हैं, हम वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ भी प्रैक्टिस करते। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वह जो है बाधाकारियों का होगा, उनको न्याय मिलने में दिक्कत होगी। दूसरी बात, जैसे एक सेम डे बेल की बात होती है, तो मुंसब कोर्ट में खारिज होती है, सेशन में हम लोग बेल कराते हैं, वह सेम डे संभव है? अगर कोई लालगंज में खारिज होगी तो वहाँ से कैसे सेम डे में होगी, बताइए? हैं, तो पहले तो इनको सीआरपीसी में परिवर्तन करना चाहिए। जब आईपीसी में परिवर्तन कर लें, तब इसका जो है केंद्रीकरण बजाय विकेंद्रीकरण करें। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो वकील हैं, हम तो देश के लिए लड़े हैं, आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ा है। तो जब अब तमाम समस्याओं से हम लोग लड़ते हैं, ये हमारी अपनी समस्या थोड़ा नहीं, हम अपने फायदे और नुकसान के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा समझाया जा रहा है, ऐसा लोगों को समझ में आ रहा है कि वकील अपने हित के लिए ऐसा कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान देश का होगा, समाज का होगा, प्रदेश का होगा, और जो न्याय लेने के लिए गरीब आते हैं उनका होगा। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं, हमको लगता है कि भाई ये जो कहावत एक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही कहीं ना कहीं चरितार्थ होने जा रहा है। और वास्तव में गरीबों के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसी के साथ जो हमारे नए अधिवक्ता हैं और जो सीनियर अधिवक्ता हैं, इनका भी वहाँ पहुँचना और आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा, और इनकी भी सुरक्षा जो खतरे में पड़ जाएगी। सरकार तो मान लीजिए नियम लगाए, सोच रही है कि मान लीजिए गाँव में कुछ समस्या रहेगी तो गाँव में ही निपट जाएगी, सर आने जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सही कह रहे हैं, जारी का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहले उसके लिए आधारभूत व्यवस्था हमारी करिए, आप सुरक्षा बढ़ाइए हमारी वहाँ पे, और जो कि अभी कोई संस्था इधर नहीं बनी कि वहाँ देख रेख कर सके उसको, पहले आधारभूत जो समस्या है उसको आप ख़त्म करिए, उसके बाद बैठाइए अपने आलय, कोई दिक्कत नहीं मैं करने में, वहाँ पर समस्याएँ बहुत हैं। क्या अभी इस नियम से अब आप लोग खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हमारी सुरक्षा बढ़ाइए, पहले था वही सही थी। हाँ हाँ, वही सही है, जैसे इस टाइम है पहले चलता था वैसे ही आजमगढ़ जिले में चले कोर्ट। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाता इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं, जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, दबंग व्यक्ति हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, वो किसी नियम के विरुद्ध आलोचना करेंगे, और अपराधी किस्म के व्यक्ति जितने तत्व हैं जो जुडिशियल के मजिस्ट्रेट आएंगे उनके लिए भी घातक सिद्ध होगा। आपके लिए कहना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर जब न्यायालय चला जाएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और उनको सही से न्याय नहीं मिल पाएगा, और युवा अधिवक्ताओं के लिए भी दिक्कत होगी। वहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे, दोनों जगह कैसे कार्य कर पाएंगे? इस वजह से हम लोग ग्रामीण न्यायालय के विरोध में हैं। विरोध में कब तक चलेगा आप लोगों का धरना? जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं पूरी करेगी तब तक चलेगा, कोशिश में लगेगा। जी जी, तहसील में इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ चला जाएगा तहसील में भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा और न्याय पाना दुर्भाग्य हो जाएगा। इसका हम विरोध करते हैं ग्रामीण न्यायालय का, आजीवन करते रहेंगे जब तक नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए एक नियम लग जाएगा तो जो गरीब लोग हैं आ नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं, नुकसान है ग्रामीण न्यायालय की वजह से, ग्रामीणों का भी नुकसान है और अधिवक्ताओं का भी नुकसान है। असुरक्षा सबके लिए, अधिकारियों के लिए भी असुरक्षा है, अधिवक्ता के लिए भी असुरक्षा, ग्रामीण लोगों के लिए असुरक्षा। जो दबंग लोग रहेंगे वो दबंग रहे के बल पे अपना न्याय, भैया जी कह रहे हैं जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं लोग जो सीनियर हैं और जो लोग यहाँ के निष्ठे साहब लोग हैं इनकी गरिमा के लिए कुछ गरिमा नहीं, सब न्यायालय जहाँ होना चाहिए जिला मुख्यालय पर ही होना चाहिए, उसका जो है ग्राम एरिया में कोई उचित नहीं है, इसलिए ग्रामीण न्यायालय का हम लोग
भरपूर विरोध कर रहे हैं और अनवरत अनशन पे बैठ रहे हैं जब तक आप लोग सीनियर हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, बहुत पहले आपने सुना होगा, ये न्याय पंचायत स्तर पे एक सरपंच हुआ करते थे पहले तो उनके ऊपर जब लोगों का प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, गलत फैसले होने लगे, तो उसको सरकार ने समाप्त किया वह व्यवस्था, और सीधे सीधे हर ज़िले पे एक सिविल कोर्ट और कलेक्ट्रेट की स्थापना किया। तो वही व्यवस्था पुनः होने जा रही है, और यह तहसील मुख्यालय पे भी ग्रामीण अदालत नहीं बन रही, बल्कि कहीं सुदूर बन रही है। वह न्यायालय का स्वरूप नहीं रह जाएगा। न्यायालय न तो न्यायाधिकारी सुरक्षित रहेगा, न अधिवक्ता सुरक्षित रहेगा, न बातकारी सुरक्षित रहेगा। दूसरी अड़चन ये है कि छोटे छोटे मुकदमे वहाँ देखे जाएंगे, बड़े बड़े मुकदमे यहाँ देखे जाएंगे। तो या तो सारी चीज़ें वहीं चली जाएं, वहीं सारी चीज़ें टोटल चला जाए, टोटल सिविल कोर्ट हटा दीजिए या बारिश कर दीजिए यहाँ सिविल कोर्ट जिले की, हर जगह भेज दीजिए। तो यह अच्छी बात नहीं, कुछ मुकदमे छोटे छोटे वहाँ देखे जाएंगे, बड़े बड़े यहाँ देखे जाएंगे, हर आदेश की अपील यहाँ होगी। तो इससे जनता के तो बिल्कुल विरुद्ध है ये एक्ट, और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पुरानी कहावत लागू होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, न्यायाधिकारी वहीं पीटेगा, बातकारी पीटेगा, गवाह मार दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये न्याय व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत कार्य है। इससे कोई भी आदमी, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे पब्लिक हो, लिटिगेंट्स हो, वो भी परेशान है इस व्यवस्था से। किसी के हित में नहीं। यहाँ जिले स्तर पे लोग आते हैं, कलेक्ट्रेट में मुकदमा देखते हैं, सिविल कोर्ट में देखते हैं, कमिश्नरी में देखते हैं, और भी अपने जिले स्तर पे कार्य को पूरा कर लेते हैं। क्या आप लोगों के साथ पूरे जिले के जो भी अधिवक्ता हैं साथ हैं दे रहे हैं? देखिए, पूरे जिले के अधिवक्ता इसमें पूर्वांचल है, एकदम जिला नहीं, ये आधे गाजीपुर, मऊ, बनारस, जौनपुर, 5 जिले के अधिवक्ता लोग पूरे 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं। जिला 75 है, पूरे मैंने बताया ना कि 5 जिले का, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, 5 जिले के अधिवक्ता 17 फरवरी से लगातार हड़ताल पे चल रहे हैं। फैल रहा है हमारा आंदोलन, पूरे प्रदेश में धीरे धीरे फैल रहा है, तमाम जिलों के अधिवक्ता। मतलब कब तक कोशिश जारी रहेगी ये? जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक ये एक्ट खत्म नहीं होगा, जब तक ग्राम न्यायालय की स्थापना का एक्ट समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। तो जिम्मेदार किसको उठाना चाहते इसमें? जी, जिंदाबाद। ये तब तक विरोध चलेगा जब तक यह एक्ट खत्म नहीं होगा, ग्राम न्यायालय वाला। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो एक्ट जो है, ग्रामीण न्यायालय की जो स्थापना करना चाह रहे हैं, वो एकदम समझ लीजिए कि न वकील के हित में है, न हमारे जो क्लाइंट उनके हित में है, सबके विरुद्ध है। हाँ, और कोई सुरक्षित नहीं रहेगा ग्रामीण न्यायालय से, सब लोगों के लिए खतरा बना रहेगा, और एकदम अहित वकीलों के एकदम अहित में नहीं, और न क्लाइंटों के हित में है। तो इसमें जिम्मेदार किसको उठाना चाहते हैं जी? ये नियम कौन लाया? अपनी सरकार लाई? नहीं, ये तो केंद्र सरकार का है बहुत पहले, लेकिन उस समय किसी को जानकारी नहीं हुई। धीरे धीरे जब जानकारी हुई है, जब ग्रामीण न्यायालय के बारे में जानकारी हुई, तब जा करके उसके खिलाफ, मतलब ग्रामीण न्यायालय के विरुद्ध लोग, वकील, सब लोग लामबंद हुए, तब उसके बाद ये स्ट्राइक शुरू हुई है और स्ट्राइक जारी रहेगी जब ले काला कानून जब ले समाप्त नहीं किया जाएगा। 75 जिला है, 5 जिले में मतलब स्टार्ट हो गया है धरना? नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 क्या, समझ लीजिए कि एकदम आधा प्रदेश में चला गया है, अब कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। रोक के मानेंगे? हाँ, पूरे प्रदेश के बाद तब देश में हो जाएगी क्रांति। नियम जो है हटा के ही छोड़ेंगे? हाँ, हम अधिवक्ताओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी है आज़ादी से लेके अब तक, और पीछे नहीं हटते जब तक अपना मुकाम नहीं पा जाते हैं। वही जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाएगी। ग्रामीण न्यायालय का घोर विरोध है, पूरी कोशिश जारी रहेगी, पूरा तन मन धन से रहेंगे हम लोग, जब तक काला कानून वापस नहीं होता। सुरक्षा क्या देगी सरकार वहाँ पे? न वहाँ पे वादकारी सुरक्षित रहेगा, न वो जज साहब सुरक्षित रहेंगे, न गवाह सुरक्षित रहेगा। गवाह तो पहले मार खाएगा, इधर गवाही देके जा रहा, उधर घर पर लाठी तैयार रहेगी।
जब उमेश जैसे यहाँ तो मामला जाते जाते ठंडा हो जाए। क्या बोले उमेश पाल को जब जैसे वैसे लोगों को जब मार दिया गया तो हम लोग तो आम आदमी हैं, जिसे पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद सुरक्षा थे उसके बावजूद उसकी हत्या कर दी जाती तो ग्रामीण न्यायालय में आम आदमी अगर कोई जा रहा मुकदमा अगर विन कर रहा है सरकार की तो उसमें चूक है ना। हाँ, बोलते हैं कि हम तो लोग सरकार से मतलब गुंडे ही तुम जीरो कर दिए बोलते हैं ना, तो गुंडे गुंडे हो गए तो कैसे मर्डर हो गया। हाँ तो सरकार तब कैसे सुरक्षा देगी बताइए, उतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में नहीं सुरक्षा दे पा रही है तो यह ग्रामीण न्यायालय में सुरक्षा दे पाएगी, कभी नहीं दे पाएगी, कभी नहीं दे पाए इसका हम लोग। केंद्र सरकार की जो मंशा है ग्रामीण न्यायालय बनाने की, केंद्र सरकार को तो पहले ये करना चाहिए कि हर प्रदेश में एक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बनाती है, हर मंडल में एक हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाती है, इस पे तो पहले उनको सोचना चाहिए, उसके बाद फिर ग्रामीण न्यायालय की बात करनी चाहिए। तो हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और जब तक केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले लेती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन अनवरत हड़ताल पर जारी रहेंगे, मतलब पूर्ण रूप से हम लोग। हाँ भाई, जब देखिए एकदम अहितकर है इस समय के परिवेश में ग्रामीण न्यायालय एकदम एकदम समझ लीजिए कि सबके विरुद्ध है, वकील क्लाइंट समझ रहे हैं ना, सब अधिकारी गण सबके विरुद्ध है और सभी लोग असुरक्षित रहेंगे कोई भी। हाँ जी बोल दीजिए, जो योगी सरकार नियम लाई है जी जी, ग्रामीण न्यायालय, ग्रामीण न्यायालय देखिए जनता इससे अभी अनभिज्ञ है, उसको पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी हम वकील माँ जो है अधिवक्ता इन सबको है, इसी बात को अपने बातों के द्वारा उनको बताया जा रहा है कि ग्रामीण न्यायालय जब बन जाएगा तो आपको जितना फायदा नहीं होगा उससे कई गुना नुकसान होगा और वहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे और जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। एक तो ग्रामीण न्यायालय भी चिन्हित नहीं किया गया, ना कोई व्यवस्था है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ बैठेंगे जाके, हमारे सारी परेशानियाँ हैं। सकता है नियम भी लाए तो नियम तो उनके लिए बनाए भी, ये तो नियम 2008 से बना भाई साहब, ठीक है ये 2008 से ही बना हुआ है, मगर जनता और ना जनता और ना क्या नाम है कि हमारे मजिस्ट्रेट सब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। बाकी जिलों की जो है जनता हमारे साथ है, 24 फरवरी से हम लोग चल रही है, आज भी 5 जिलों के लोग आए थे अधिवक्ता और अपना अपना बात रखे हैं। 5 जिलों के जी जी, जो जिला तो 75 है जी अभी, जितने कुछ दिख रहे हैं जी हमारे लोग एकताओं में, हमारे अधिवक्ताओं की देखिए एकता हमेशा रही है अभी भी है, क्योंकि इस बात से भी जनता अनभिज्ञ है, जनता को हम लोग दिल से बता रहे हैं कि क्या आपको नुकसान और क्या फायदा होगा। आइए तो थोड़ा और अंदर पूछते हैं उसके बाद देखते हैं, अंदर आइए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। इधर से इधर थोड़ा सा सीनियर अधिवक्ता साहब हैं, अच्छा जो ग्रामीण न्यायालय की मांग सरकार ने की है तो उस पर क्या कहना चाहते हैं, जो बनाने के लिए बता रहे हैं ये बहुत ही गलत है, उससे न्याय जो है विकसित हो जाएगी इधर उधर और उसे न्याय नहीं मिलेगा, सभी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, अधिकारी कर्मचारी वो अधिवक्ता कोई सुरक्षा नहीं रहेगी, यही है। ओके, इस पर जिम्मेदार किसको उठाना चाहते हैं, जिम्मेदार कौन इसमें, इसमें बता नहीं पाए जिम्मेदार कौन, मतलब कि ये नियम कौन लाया, ये सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई होगी, हाँ केंद्र सरकार लाई है, सरकार लाई है। तो आप कब तक कोशिश, मतलब आप धरना में साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं साथ, दे रहे हैं पूर्ण रूप से, हाँ साथ दे रहे हैं। इसमें लोग बोल रहे हैं कि गरीब जो जनता है गाँव में, अगर गाँव में ही उनका केस रहेगा तो गाँव में सुलझ जाएगा, जिले पर आने जरूरत नहीं पड़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गाँव में जाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, वहाँ दबंग लोग ही दबंगों को न्याय मिलेगी, गरीब मारे जाएंगे वहाँ, वहाँ जो पैसे वाले हैं दबंग हैं वही उनको सरकार मिलेगी, उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए, आइए आगे बात करते हैं। अच्छा सर जी, जो ग्रामीण है न्यायालय की जो मांग सरकार लाई है इस पर क्या कहना चाहते हैं, ये बयान देगी, इन पर लगाओ बताओ, आप खुल के सपोर्ट में या विरोध में, विरोध में है बाबू, हाँ उससे आप लोग क्या घटा सकते हैं। अरे भाई देखिए, ग्रामीण अदालत गांव क्षेत्र में सरकार की योजना है जाने से टोटल समाज में जो दबंग है, जो मनबड़ है, जो पैसे वाला है उसकी चलेगी, वह मनचाहा अपना जज साहब को डरवा के धमका के जजमेंट करवा लेगा, और वहाँ ना तो लॉकअप है, न कायदे से जजों को बैठने की व्यवस्था है, न पब्लिक वहाँ की जानकारी उतनी है, जजों को कोई महत्व वहाँ समझेगा, और
हम अधिवक्ताओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी कि 50 किलोमीटर से अधिवक्ता किस स्थिति में वहाँ पहुँचेगा, शाम हो जाएगी तो कहाँ जाएगा वह, ना वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, न रहने की व्यवस्था है, न कोई दुकानें हैं, और गांव क्षेत्र में ज़्यादातर तो लोग अभी अनपढ़ हैं, हर चीज़ को जानते नहीं, तो इसलिए वहाँ पूरी दुर्व्यवस्था होगी। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। धरना साथ दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल साथ दे रहे हैं हम लोग। जिला 75 है, कितना अनुमान के हिसाब से लोग बोलते हैं अधिवक्ता में बड़ा एकता रहती है, एकता दिख रही है नहीं दिख रही? पूरी तरह से। अब पूर्वांचल में इधर अभी हमारे आजमगढ़ में 5 जिलों के प्रतिनिधि आए थे, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, और ये 5 जिलों में अनवरत हड़ताल चल रही है, और धीरे धीरे इसका और भी विरोध का तरीका बदला जाएगा। हम लोग किसी भी हाल में ग्रामीण अदालत को नहीं जाने देंगे। तो जिला पे ही रहेगी? जिला पे रहेगी, यहाँ जैसा तो जैसे है वैसे ही रहेगी। हाँ उसी तरह चलना चाहिए, उसी में पूरे समाज का क्या औचित्य नहीं, कोई औचित्य कहना चाहते हैं? ग्रामीण न्यायालय का कोई औचित्य नहीं है। क्यों? ग्रामीण न्यायालय के अगर के औचित्य पर सवाल उठाएंगे तो बहुत सी चीज़ें विचार करना होगा, कितनी दिक्कतें होंगी, कितने वकीलों की दिक्कतें होंगी, वकीलों की दिक्कतें होंगी, अधिकारियों की दिक्कत होगी, इस पर पहले विचार करके फाइनल करें तब ग्रामीण न्यायालय ले जाए। इस लोग बोल रहे हैं जो गरीब जनता, गरीब वर्ग लोग वाले हैं जो जिला पर नहीं आ पाते हैं, वो अपना ही बगल में तहसील अपना सब काम कर लेंगे। तो तहसील का काम दूसरा, यहाँ न्यायपालिका का दूसरा काम है। तहसील में न्यायपालिका नहीं जा सकती, न वहाँ जा रही है, इसके लिए अलग से गठन कर रहे हैं तहसील से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी पर, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अब खुल के विरोध में? हाँ विरोध में। चलिए ठीक है। ऐसा है, तहसील स्तर पर जाने पर तहसील में जो है प्रशासनिक कार्य होता है, न्याय का कार्य नहीं होता, क्योंकि जिले पर सभी ये न्यायपालिका है, एक जगह ही रहेगा तो लोग आएंगे, वकीलों के लिए भी सुविधा रहेगी और बातकारियों के लिए भी। नहीं अगर तहसील में चला जाएगा, तहसील में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद लोग पैदा हो जाएंगे और वहाँ नित मर्डर होगा, और वहाँ जो मुंसफ और जज जाएंगे उनकी भी हत्या हो जाएगी। ग्रामीण न्यायालय जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब इस नियम से आप लोग खुल के विरोध में? इसमें कोई शक नहीं है, पानी ना मिले पूर्ण रूप से। बाकी और काम है सरकार से? बाकी और काम सरकार से अभी हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे, ये मनमोहन सिंह के ज़माने का एक्ट है। जो समस्या आई है जब बात आगे बताइए, तो हम लोग जमकर विरोध करेंगे कि सबके लिए दिक्कत है, क्योंकि तहसील एक ही जगह, ये सब न्यायालय है, न्यायपालिका एक ही जगह होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। गांव में तहसीलें हैं, उदाहरण के लिए आपको दे दूं, एक ट्रिब्यूनल कोर्ट, एक माइनर कोर्ट और एक उपभोक्ता फोरम, यही चलते थे, लेकिन स्थान बदल दिया गया, वहाँ दुर्व्यवस्था फैल गई, फिर हमारे ही कैंपस में आने वाला है। इसलिए ग्रामीण न्यायालय हो चाहे कोई भी हो, वह चल नहीं पाएगा। जो तहसील में वकील तो लोग बोलने बड़ा लोग खुश हैं, जो गांव के तहसील में रहते हैं वकील लोग बोलने बड़ा खुश हो रहने से ना, वो तहसील में जाएगा तो वो देख नहीं पाएंगे मुकदमा कैसे चलता है, उनको प्रशासनिक ज्ञान है, वहाँ दलाली का होती है, वहाँ जो SDM होते हैं, तहसीलदार होते हैं, पैसा दे करके काम होता है, वहाँ प्रशासनिक कार्य होता है, वहाँ वह देख नहीं पाएंगे। पूर्ण रूप से आप लोग विरोध में हैं, धरना कब तक चलाएंगे आप लोग? अनिश्चित काल तक, जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। ये धन्यवाद बात करने के लिए। बाकी और लोग आप बाहर हैं उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी 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 एकदम बंद कर दीजिए।